hello everyone welcome to cyber community in today's video we are going to show you that how you can install ubuntu server on your virtual box now this is the link uh, i have already given this link in the description so you can go to up description एंड यू कैन सी जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है तो ये कुछ तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा ठीक है अब आपको डाउनलोड को कैसे करना है ओ फाइल जनरली आपको डाउनलोड करना है ईजी इंस्टॉलेशन के लिए तो ओवंतु सर्वर आपको चाहिए राइट right? तो इस लिंक पे डायरेक्टली जब जाएंगे तो आपको ओवंतु सर्वर 22.04 मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है ये वर्चुअल बॉक्स इमेज आपको देख रहे हैं आपको जस्ट वहाँ एक बार क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं is, uh, 16 15 second, time, तो अभी मान लो कि डाउनलोड हो गया राइट right? तो लेट मी शो यू आई डाउनलोड इट बट जस्ट डेमो पॉप आई एम जस्ट शोइंग इट सो सी आई ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड तो इसलिए ये ऑप्शन दिखा रहा है ठीक है अब मैंने कहाँ पे डाउनलोड कर रखा है ये रहा ठीक है अब देखो जब ये डाउनलोड हो चुका है वेन इट एज फुली डाउनलोडेड तो आपको कुछ तो ऐसा डॉट सेवन जी में आपको दिखाने वाला है अभी यह करना है कि आपको जस्ट राइट क्लिक करना है इसको एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट का प्रोसीजर आप जानते हैं सेवन जी पे जाना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स ठीक है मैंने ये एक्सट्रैक्ट भी पहले से ही कर रखा है ये ऊपर की फाइल आप देख रहे हैं ठीक है ऊपर की फाइल आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है अभी क्या करना है इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे दो फाइल्स हमारे पास हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एक्सटेंशन के साथ है एक है वर्चुअल बॉक्स मशीन डेफिनेशन के साथ और एक वर्चुअल वर्चुअल डिस्क इमेज आपके पास तो अभी आपको किस पे क्लिक करना है वर्चुअल बॉक्स मशीन पे पिछली चार वीडियोस पांच वीडियोस से हम यही करते आ रहे हैं इस द सेम प्रोसीजर है कुछ भी नया नहीं है ठीक है इनकेस कोई कुछ भी इसमें से डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हो तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक जस्ट करने वाला हूँ और आपका ओबंदो सर्वर इज गोइंग टू तो बी स्टार्ट इंस्टॉलिंग इन वर्चुअल बॉक्स सी यहाँ पे ऑलरेडी ये इमेज क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे मैं अब बस स्टार्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ अब जैसे ही मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया अब देख सकते हो कि ये इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है अब इसे इंस्टॉलेशन में मे बी वन टू टू मिनट लगेगा ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम ये उसका आपका आपके पास रैम कितना है उसकी स्टोरेज कौन से टाइप की है एच है या एस है तो जनरली मैं प्रेफरेंस करता हूं कि सिक्सटीन जी बी रैम तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप ये जो जो चीज़ें मैं इसमें सेटअप में दिखा रहा हूं एटलीस्ट सिक्सटीन जी बी रैम रहेगा तो इट्स गुड एंड आई सेवन प्रोसेसर एटलीस्ट तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है कुछ टाइम लेगा जैसा कि मैंने बोला कि एक से दो मिनट टाइम ले सकता है और ये आपका इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है ठीक है मीन वाइल लेट्स चेक द पासवर्ड ठीक है अभी इसका पासवर्ड हमें जानना है तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम इसका पासवर्ड देख देख लेते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पे अब यूज़र एंड पासवर्ड ये ऑलरेडी आपने अपने को दिखा रखा है इसने कि वी एम इमेज पासवर्ड ठीक है तो अपन जाएंगे सीधा लिनैक्स वी एम एम और सीधा पासवर्ड लिख दो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा आपको आप डायरेक्टली देख सकते हो तो हमारे पास है ओबंतु सर्वर इसका भी ओबंतु ओबंतु है ठीक है यूजर नेम एंड पासवर्ड ओबंतू ओवन है ओके okay. यहाँ में हमें बता रहा है कि लॉग इन करने के लिए तो यहाँ हम पासवर्ड देंगे ओबंतू ठीक हिट एंटर ओबंतु एज ए पासवर्ड एज वेल ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि ये आ, आप लॉग हो चुके हो डायरेक्टली ओबंतु सर्वर में अब यहाँ से आप जो भी चीजें आप करना चाहें ए टू जेड सारी की सारी चीजें कर सकते हो लेट से कि अगर आपको अपडेट करना है फिलहाल जस्ट आई एम जस्ट शोइंग शोइंग एग्जाम्पल तो लेट्स से sudo एप्ट अपडेट ठीक है नाउ इट इज वर्किंग और आप देख सकते हैं कि ये अपडेट होना शुरू हो चुका है तो आई होप इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज एंड दिस इज़ हाउ वी कैन इंस्टॉल ओबंटू सर्वर इन वेरी इजी स्टेप्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाई टेक केयर एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो